About how to prevent and manage this. So we are having lectures on how to prevent this, how to manage this with medicines. We are also showing surgeries, which are operations on how to manage this without removing the uterus or life-saving surgeries. So the delegates are going to see the surgeries on the screen and they can practice them on the models. So this is so that the incidence of bleeding following childbirth, it becomes less. Women do not die of them. Thank you. So organize. इसके बारे में थोड़ा बता दे क्या-क्या कार्यक्रम यहाँ पे organize किया गया? जी. ये हमारा जो दो दिन का conclave है, इसका नाम postpartum hemorrhage है. Okay. प्रसव उपरांत जो bleeding होती है, उसका नाम. ये condition बहुत dreaded condition है. इसमें महिलाएं मर जाती हैं. यदि समुचित समय उनके उनका समुचित इलाज हो, तो दो घंटे के अंदर उनका इलाज करना होता है. इसके लिए हम लोगों ने बहुत तरह की चीज़ रखी, वर्कशॉप रखा, मतलब लाइव ऑपरेशन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं. इस तरह की चीज़ों से इलाज के लिए वीडियो सेशन भी हमने रखा. आज हमारे वीडियो सेशन भी चल रहे हैं वहाँ पर, तो लाइव वर्कशॉप हो गया, वीडियो सेशन हो गया, और पूरे डेढ़ दिन का हम लोगों ने CME रखा. और CME में हमारे यहाँ कल जो होगा, एक सबसे खतरनाक स्थिति होती है प्लेसेंटा एक्यूटा स्पेक्ट्रम. जब उसमें प्लेसेंटा पूरा ना बच्चेदानी की दीवार में सट कर उसके अंदर घुस कर कभी कभी उससे बाहर निकल जाता है, और ये स्थिति इतनी भयावह होती है. ये खासकर वैसी स्थिति में होता है जब महिला में या तो प्रीवियस सीजरियन सेक्शन हुआ हो, या उन्हें किसी तरह के ऐसा ऑपरेशन हुआ हो जिसमें उनकी दीवार के साथ कोई इलाज हुआ हो, तो ऐसी किसी की संभावना होती है. इस पर हम लोग पूरे दिन चर्चा कर रहे हैं. तो इनसे हमारे यंगर भी हैं, सीनियर्स भी हैं, तो हमने CME वर्कशॉप रखा है. आज के दिन इनॉग्रेशन करेंगे, चीफ गेस्ट हमारे फॉक्सेस से रहेंगे. उसके बाद हम लोग कल्चरल इवनिंग हमारे डॉक्टर्स की प्रस्तुति प्रेजेंट करेंगे, और इनॉग्रेशन हमारे स्टॉल्स जो हैं जितने पे इससे रिलेटेड बातें, नई नई टेक्निक जो है उसके लिए हमने स्टॉल भी लगाया है. दवाइयों के अलावा क्या विधि होंगी जिससे हम हेमरेज को रोक सकें, उसके लिए भी हमने स्टॉल लगाया है. तो ये सारी बातें, ये दो दिन का कार्यक्रम कल शाम को हमारे 36 से 40 बिहार झारखंड से बाहर के डॉक्टर हैं, कुल मिलाकर 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं जो इसको सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे. मैम क्या नाम हुआ, कौन से पोस्ट पे आप हो, नाम आपका? डॉक्टर अमिता सिन्हा. ओके. मैं पटना सिटी गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और इस PPH कॉन की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी. थैंक